दिल्ली के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बसा एक गांव, जहां भारत के लगभग हर शहर से लोग अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं बस जाते हैं। और ये गांव है सराय कालेखा। सराय यानी विश्राम घर, पर इस सराय में सूरज उगने से ढलने तक रोजी रोटी की तलाश में लोग करते हैं काम और सिर्फ काम। घुटन भरी संकरी गलियों में बने अंधेरे कमरों में रहना बेशक इन लोगों की मजबूरी होगी, पर ये अंधेरे इनके हौसलों पर हावी नहीं होते। पेट की भूख मिटाने के लिए इस सराय के गली कूचे में हर उम्र हर मजहब के लोग काम में जुटे मिल जाएंगे। तभी तो यहाँ बसने वाले कुछ लोगों ने अपनी अनथक मेहनत के दम पे अपनी ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की किस्मत बदल डाली है। तो आप कौन से गांव से हैं? जी गांव तो हमारा जा रही है, जिला हमारा संभल पड़ता है मैम। और कितने टाइम से रह रहे हैं सराय का? मैम तो जी दिल्ली में तो आ हुए हम, मेरे को 2003 में आया था मैम, और यहाँ कालेखा में तो ऐसे ही हो गया, वो 2 साल लगभग हो गए। और गाँव छोड़कर शहर में क्यों आए? शहर में मजबूरी के ऐसे थोड़ा छोटा मेरा काम है, किसान लोग हैं, पढ़ नहीं पाए, मम्मी पापा छोड़ रहे हैं, इसलिए सबसे बड़े घर में सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मजबूरी की वजह से कारण के लिए सब फैमिली देखने के लिए आना पड़ गया बाहर। बाकी हम 2 भाई नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी के जो हमसे छोटे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो आप कालेखा में कब से रह रहे हैं? कालेखा में तो मेरे 20 साल हो गए। अच्छा, और कौन से गाँव से हैं वैसे आप? मैं तो गाँव से गया जिला से। ये कहाँ पड़ता है? अच्छा, और यहाँ पे आप क्या करते हैं? मैं प्रेस करती। घर में कौन कौन है? मेरी लड़की रहती है। पहले आपका गांव कहाँ है? गिलौंदा है। ये कहाँ पड़ता है? जो उपी में। अच्छा, और आपके घर में कितने लोग हैं? हाँ जी 8-10 जन हैं, यही रहते हैं, बाल बच्चा सब, लड़की अर्गनी और मेरे लड़का बहू सब जन यही रहते। तो आंटी आप कौन से गाँव से आए? शीशादपुर से। और घर में आपके कितने लोग हैं? अब सब मर गए, अब 2-4 हैं। और घर में कमाते कौन है आपके? कमाते प्राइवेट काम करते हैं। अच्छा, और आपके कोई यहाँ पे वो है? हाँ। खेत वेत या कुछ अपना काम? नहीं। यहाँ पे आप कितने सालों से रह रहे हैं? और रहे हैं तो बर्तन हो गए 57 से। और आए क्यों थे फिर अपना वो अपना घर छोड़कर यहाँ पर? हाँ। किस लिए आए थे? काम के लिए। आप कालेखा में कब से रह रहे हो? भैया मैं 4 साल रहते, अब 5वां साल लग गया। और कौन से गांव से आए थे आप? मढ़िया सीतापुर के। यहाँ कितने रहते हैं और गांव में कितने रहते हैं? यहाँ तो 4 जने रहना, तो इस समय 3 जने हैं। गांव में आपके कौन कौन रहते हैं? गांव में हमारी सास हैं, हमारे घर वाले हैं, 2 बेटे हैं, बहू है, पोती है, हमारी छोटी बिटिया है। तो आप अपना घर छोड़ के यहाँ आए क्यों थे? यहाँ बेटा हम आए कमाने खाने के लिए। अब गांव से आए तब तो हम परेशान रहे करे बेटे, तब तो कोई करने वाला भी हमारे नहीं रहे। अंकल तुम्हारे वो भी बीमार रहते थे, तो कोई करने वाला नहीं रहा, तो इसीलिए हम यहाँ आए। घर में कौन कौन कमाता है आपके? बस हम ही लोग करते हैं, घर वाले तो हमारे कर ही नहीं पाते कुछ, हम लोग तो 3 जने करते हैं। बेटा तो लग गया तो कल लाया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। अच्छा, आप और आपके बाकी कौन है घर पर जो काम करते हैं? बाकी वहाँ बेटा करता है बड़ा वाला काम। और बाकी बेटियाँ? बेटियाँ ये तीनों हमारे साथ हैं, सोनी मोनी और संजना रहती हैं। तो गांव में आपका कुछ है घर खेत वगैरह कुछ खुद का?
खेत है हमारे 3 बीघा, लेकिन काम नहीं करेंगे माँ बेटी तो इनका बेटियों की शादी कैसे करेंगे। 3 बेटियां हैं हमारी करने वाली है, बेटा भी है अभी छोटा हमारा, शादी करे तो क्या कर सकते हैं, शादी तो करना ही है जैसे करेंगे। मैं घर में काम करती थी, अब बच्चा हो गया छोड़ दिया, हम ये काम कर रहे हैं। मैं घर में बैठी ये 1.5 साल का है, अब इसको 2-3 साल में चलाता है। इस जगह का इतिहास बहुत रोचक है। ऐसा माना जाता है कि बहादुर शाह जफर के शासन के दौरान काली खां नाम के एक सूफी संत हुआ करते थे, जो अपने काफिले के साथ अक्सर यहाँ कुछ वक्त बिताते और फिर अपने सफर में आगे बढ़ जाते, इसलिए इस जगह को सराय कहा जाने लगा। इसके बाद के समय में भी मुसाफिर यहाँ रुकते और फिर अपने सफर में आगे बढ़ जाते। तभी यहाँ पास में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का भी निर्माण किया गया, साथ ही इस जगह को गुज्जर गांव भी कहा जाता है। इस इलाके के अधिकतर घरों और दुकानों के मालिक गुज्जर ही हैं, इसलिए यहाँ गुज्जर समुदाय का दबदबा कायम है। यहाँ बनी चौपाल पर गुज्जर समाज के लोग अक्सर सलाह मशवरे के लिए इकट्ठे होते हैं। यमुना किनारे दिन भर कमर तोड़ मेहनत के बाद सराय के कई बाशिंदों को रात को भी सड़क किनारे खुले आसमां के नीचे ही अपनी थकान मिटानी पड़ती है। फिर अगली सुबह नई उम्मीदों और बुलंद हौसलों के साथ आबाद होता है ये सराय काले खां।